अतीक अहमद की मौत के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ दो लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वो नाम है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू बम्बास। बाकायदा शाइस्ता की तलाश में पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि शाइस्ता के पास कई राज मौजूद हैं। पुलिस गुड्डू मुस्लिम से पहले शाइस्ता की तलाशी में लगी हुई है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी शाइस्ता की खबर देने वालों को 50,000 रुपए इनाम भी मिलेगा। पुलिस के मुताबिक उसे मुखबिरों से खबर मिली है कि शाइस्ता प्रयागराज और कौशाम्बी में ही छिपी है, जिसके बाद एसटीएफ की 5 टीमें शाइस्ता की तलाश में गली गली सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन शाइस्ता की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस को इनपुट ये भी मिले हैं कि गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता के छिपाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि गद्दी समाज से जुड़े लोग प्रयागराज और कौशाम्बी में रहते हैं। इस वजह से कौशाम्बी के सराय वकील इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तलाशी के अलावा यूपी पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस अतीक से जुड़ी एक और महिला की तलाश कर रही है, जो साबरमती जेल में उमेश पाल हत्याकांड से पहले उससे मिलने आई थी। हालांकि ये महिला पहले भी कई बार अतीक से जेल में मुलाकात कर चुकी है। इस महिला ने अतीक से न सिर्फ साबरमती बल्कि देवरिया, बरेली और प्रयागराज के जिलों में भी मुलाकात की थी। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये महिला प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि ये महिला शाइस्ता की छिपने में मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।